खजुराहो इंटरनेशनल फेस्टिवल 2015 के बारे में आप बताएं। ये एक अच्छा प्रयास है और मुझे काफ़ी खुशी होती है क्योंकि मैं खुद एक एमपी से बिलोंग करता हूँ और रियली जो सीएम साहब हैं और जितने भी वहाँ पे कैबिनेट्स में हैं और इस तरह की तवज्जो देना और बहुत अच्छी बात यह है कि एक सही आदमी के हाथ में बागडोर देना, राजा बुंदेला जो कि फिल्म से भी वाकिफ़ हैं, फिल्म इंडस्ट्री से भी वाकिफ़ हैं, खुद एक बहुत बड़े फनकार हैं और एक मध्य प्रदेश से भी वाकिफ़ हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। बट यही है कि अब इसको किस तरीके से और बड़े से बड़ा बनाया जाए और इसमें सहयोग जो है अगर एमपी टूरिज्म का और एमपी गवर्नमेंट का हो जाता है तो ये एक बहुत ही अनोखा फेस्टिवल हो सकता है। आदि जी, खजुराहो को बेसिकली जाना जाता है कामसूत्रा को लेकर भी और तमाम मंदिरों का भी काफ़ी बड़ा है वहाँ पे, तो उसके बारे में क्या वो अभी सुरक्षित है या क्या? देखिए, एक काल्पनिक एक कहना चाहिए कि एक हमारे यहाँ प्राचीनता को कायम रखते हुए ये जगह है, स्थल है खजुराहो, और जैसे सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा एक टूरिज़्म वहाँ पे है, एक टूरिस्ट प्लेस है वो, और वहाँ पे जितनी भी जो शिल्पकारी है और जितनी भी ये आर्टिस्टिकली जो बना हुआ स्ट्रक्चर है तो ये एक अपने आप में एक मिसाल है और वहाँ पे सभी लोग जाते हैं और एक कहना चाहिए कि वहाँ पे ज़्यादातर मैंने खुद ने देखे कि फॉरेनर्स बहुत आते हैं और एक अच्छा एक स्पॉट है वो, और वहाँ पे किया जाए। और ऐसा नहीं कि वहाँ पे इतने अच्छे सब प्राचीन काल के मंदिर हैं और एक हमारे ट्रेडिशनल मंदिर भी हैं वहाँ पे, तो एक अच्छी जगह है और अच्छी जगह को किस तरीके से आर्टिस्टिकली अगर इसको हम अच्छे से वहाँ पे ये होता है और ऑर्गेनाइज इस तरीके से हो रहा है, अच्छा ही है, बहुत अच्छा है, तो इससे टूरिज़्म भी बढ़ेगा। और मेनली फिल्मों की शूटिंग के लिए भी अब एक उपयुक्त जगह होती जा रही है मुंबई, मुंबई से क्या हट के आने वाले कल में इंडस्ट्री वहाँ भी जा सकती है जैसा आपको लगता है? हाँ, एक लोकेशन तो है कि एक लोकेशन ऐसी लोकेशन है कि एक बोलना चाहिए कि एक अपना एक डिफरेंट लोकेशन है एक, और जहाँ पे कि इतने सालों से लोगों ने उसको एक प्रिजर्व करके रखा, ये नहीं कि कई जगह जहाँ पे तोड़ दिए गए हैं काफ़ी चीज़ें, तो ये नेचुरली फिल्म के लिए और हमारी मेकिंग के लिए मेकर्स उस टाइप का अगर सब्जेक्ट होता है तो डेफिनेटली ये एक अपने आप में बहुत अलग ही एक लोकेशन है जो कि सबको ही चाहेंगे कि वहाँ पे शूट किया जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।